आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा लैपटॉप जिसमें फ्रेंड आप सारे वर्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। यदि फ्रेंड आप एक होम वर्कर हो, आप स्टूडेंट हो, आप गेमर हो, आप बेसिक लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो। और फ्रेंड मेन बात इस लैपटॉप की यह है कि यहाँ पर फ्रेंड हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने मिल जाते हैं, जिसमें फ्रेंड आप ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर को भी बहुत ही आराम से रन कर सकते हैं। आप ऑटो कैड को भी रन कर सकते हैं, आप बेसिक गेमिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ फिर इस लैपटॉप में हमें सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल जाता है। और प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड प्राइसिंग भी फ्रेंड इसकी 25,990 रुपए है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 26,000 रुपीज है। इस रेंज में फ्रेंड ये सबसे अच्छा लैपटॉप है, और फ्रेंड इससे कम रेंज पे आपको इतनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा देखने मिल जाता है, ग्राफिक कार्ड भी देखने मिल जाता है, साथ ही साथ हार्ड डिस्क भी हमें बहुत ही अच्छी देखने मिलती है। ऑल अराउंड में फ्रेंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल जाता है। यदि फ्रेंड आप इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैपटॉप की। यहाँ पे हमने जो लैपटॉप सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाता है। तो टाइटल की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें लेनोवो आइडियापैड 330 राइजन 312 कोर, 4GB की रैम, 1TB की हार्ड ड्राइव और विंडोज 10 का होम एडिशन यहाँ पे देखने मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इस लैपटॉप के मॉडल नंबर की। मॉडल नंबर यहाँ पे फ्रेंड मिलता है हमको 330-15ARR। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन को। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम इसके स्पेसिफिकेशन को नोट करें कि यहाँ पे फ्रेंड हम किस किस वर्क के लिए इस लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सेल पैकेजिंग की। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें लैपटॉप मिलता है, बैटरी मिलती है, पावर अडाप्टर मिलता है, यूजर गाइड मिलती है और हमें यहाँ पे वारंटी डॉक्यूमेंट मिलता है। सीरीज की बात करें तो ये फ्रेंड लेनोवो की आइडियापैड 330 सीरीज का लैपटॉप है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी बैटरी की। तो यहाँ पे फ्रेंड कंपनी बोलती है कि यहाँ पे अप टू 5 आवर्स की यहाँ पे आपको बैटरी देखने मिलती है। बैटरी की सेल की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 सेल देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेसर की कि यहाँ पे हमें कौन कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है। प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैपटॉप के लिए, क्योंकि फ्रेंड जो भी हम वर्किंग करेंगे, यदि हम सर्फिंग करेंगे या फिर गेमिंग करेंगे या फिर हम अपने ऑफिस के वर्किंग करेंगे तो उसमें एक प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसर के ब्रांड की। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें AMD का Ryzen 3 डुअल कोर प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 2.5 GHz की यहाँ पे हमें बेस फ्रिक्वेंसी मिलती है और बूस्ट में फ्रेंड ये 3.4 GHz तक चला जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम मेमोरी की, रैम की, तो रैम में फ्रेंड यहाँ पे हमें 2 स्लॉट देखने मिल जाती हैं। 4GB की फ्रेंड यहाँ पे हमें रैम इनबिल्ट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड हम 8GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। मतलब इन फ्यूचर में यदि हमें रैम की और नीड होगी तो यहाँ पे फ्रेंड हम 4GB की रैम को और माउंट कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड कैशे की तो यहाँ पे 1MB का कैशे देखने मिल जाता है। हार्ड डिस्क के RPM की बात करें तो सभी लैपटॉप की तरह यहाँ भी फ्रेंड हमें 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव देखने मिलती है। 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव फ्रेंड हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप में देखने मिलती है। करें फ्रेंड हमने यहाँ पे इस लैपटॉप को क्यों चॉइस किया हुआ है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये कि मैं इसको नोटिस करूं। यहाँ पे फ्रेंड हमें प्रोसेसर के साथ साथ AMD के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने मिल जाते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें AMD के रेडियोन वेगा 3 ग्राफिक्स देखने मिल जाते हैं, तो जिससे फ्रेंड आप ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर को भी बहुत ही आराम से प्ले कर सकते हैं। तो यदि आप फोटोशॉप या फिर आप 3D सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें ग्राफिक्स की नीड होती है, आप मूवी देखते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड आपको ग्राफिक्स में बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने मिल जाती है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम प्रोसेसर की कोर की, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 2 कोर मिलते हैं, इसलिए फ्रेंड ये डुअल कोर प्रोसेसर है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेंड यहाँ पे हमें इनबिल्ट विंडो 10 का होम एडिशन देखने मिल जाता है 64-bit पे। और यहाँ पे फ्रेंड आपको विंडो 10 मिल रहा है तो यहाँ पे आपको लाइसेंस विंडो ही देखने मिलेगा। लैपटॉप के साइड में पोर्ट की,
तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड हमें देखने मिलती है पावर बटन, उसके बाद मिल जाता है हमें यहाँ पे RJ45 का कनेक्टर, साथ ही साथ यहाँ पे हमें HDMI फीमेल आउटपुट देखने मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड हमें 3.0 के दो USB पोर्ट देखने मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड हमें 3.0 का ऑडियो पोर्ट देखने मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे टाइप सी पोर्ट देखने मिल जाता है, और यहाँ पे फ्रेंड हमें SD कार्ड रीडर भी पोर्ट देखने मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले पे फ्रेंड हमें यहाँ पे 15.6 इंचेस का, सेंटीमीटर पे बात करें तो 39.62 सेंटीमीटर का यहाँ पे फ्रेंड हमें फुल HD डिस्प्ले देखने मिल जाता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 1920x1080 के पिक्सल यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, और स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें फुल HD LED बैकलिट एंटी गेलर TN पैनल का यहाँ पे फ्रेंड हमें डिस्प्ले भी देखने मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम स्पीकर्स की, तो स्पीकर में फ्रेंड यहाँ पे हमें इनबिल्ट ही स्पीकर देखने मिलते हैं, और माइक्रोफोन भी बेसिकली जो सारे लैपटॉप्स में हमें देखने मिलता है वही हमें देखने मिल जाता है। ऑडियो फ्रेंड हमें डॉल्बी साउंड भी देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप मूवी भी बहुत ही अच्छे से वॉच कर सकते हैं, नेट सर्फिंग पे भी आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, और यदि आप फ्रेंड इसको ऑफिस यूजेस के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड आपको ऑफिस वर्क में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेट की बात करें तो वेट में फ्रेंड ये 2.2 kg का, मतलब 2 kg के आसपास रहता है। फ्रेंड इसको आप बहुत ही आराम से कैरी कर सकते हो, आप ट्रेवलिंग के लिए यूज कर सकते हो। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम स्क्रीन के एंगल की, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल भी देखने मिल जाता है, जिससे फ्रेंड आप अपने हिसाब से बेस्ट एंगल चॉइस कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड यहाँ पर हमें एडिशनल फीचर की, तो यहाँ पर फ्रेंड हमें 0.3 मेगापिक्सल का वेबकैम देखने मिल जाता है, आइसलाइन स्टाइल कीबोर्ड देखने मिल जाता है, मल्टी गेस्टर टचपैड देखने मिल जाता है, और टचपैड में फ्रेंड यहाँ पे हमें दोनों ही बटन हमें इंटरनल ही देखने मिलती है, जिससे फ्रेंड यहाँ पे टचपैड पे भी बहुत ही प्रीमियम लुक हमें देखने मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे वारंटी की, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वारंटी 1 साल की देखने मिल जाती है, और बात करें यहाँ पे हम एक्सटेंडेड वारंटी की, तो यहाँ पे फ्रेंड आप फ्लिपकार्ट से भी इसको बाय करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड आप यहाँ पे एक्सटेंडेड 1 ईयर की वारंटी को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ेंगे। यहाँ पे चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड आपको 1449 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी भी देखने मिल जाती है। चाहे ये लैपटॉप डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए इसको, तो यहाँ पे फ्रेंड आप वारंटी क्लेम भी कर सकते हैं। यदि फ्रेंड आप इस वारंटी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जहां से फ्रेंड आप जाके इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड बात करें इसके प्राइस की, तो 25,990 रुपीज में फ्रेंड ये हमें फ्लिपकार्ट पे देखने मिलता है, और यहाँ पे फ्रेंड इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट लैपटॉप है। और यदि फ्रेंड आप एक स्टार्टिंग प्राइस की भी बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा, जिसमें फ्रेंड हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल रहे हैं, साथ में एक बेस्ट प्रोसेसर देखने मिलता है, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल रही है, जिससे फ्रेंड आप नॉर्मल वर्किंग के लिए इस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जहां से फ्रेंड आप जाके इसके स्पेसिफिकेशन को आप और भी चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। यदि फ्रेंड आप इस लैपटॉप को परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जहां से फ्रेंड आप जाके इसके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। फ्रेंड लिमिटेड एडिशन है, आप जाके जरूर चेक करें। यदि फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बायज़रा हटके को, जहां पर फ्रेंड आपको देखने मिल जाती है गेमिंग और गैजेट्स रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।